नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 21 में और मैं हूँ आपके साथ सृष्टि। और आइए अब रुक करते हैं खबरों की ओर। पीपल खेड़ा, सरकारी तंत्र फेल। बैंक भरने के बाद भी किसान से डबल काट ली गई बैंक और नहीं आ रहा है गेहूं तलाई का पैसा। 15 मार्च से लेकर 28 मार्च तक बैंक भरने वाले किसानों को आज दिनांक तक नहीं मिला पैसा। बैंक भरने के बाद किसान को बाकायदा रसीद दी गयी। इसके बाद 10 और 11 अप्रैल को किसानों ने गेहूँ तुलाई करवाई और गेहूँ को पोर्टल पर चढ़वाया तो दोबारा से उनकी बैंक काटी गई, लेकिन उसका आज दिनांक तक पैसा नहीं दिया जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है और किसानों में काफी रोष व्याप्त है। किसानों को खरीफ फसल की आगामी तैयारी के लिए भी दिक्कतें आ रही हैं, जिससे कि वह खाद बीज की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। किसानों ने आरोप लगाया कि एक जिले में दो कानून चल रहे हैं, कुछ बैंकों में पैसे नहीं काटे गए हैं तो वहीं कुछ बैंकों ने जिला सहकारी में पैसे काटे गए हैं। जब किसानों ने एक दूसरे से बातचीत की, संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि हमारी बैंक में पैसा नहीं कटा, वहीं कुछ रसूखदार लोगों के भी पैसे नहीं काटे गए। वहीं किसानों ने कहा कि उनके पैसे का ब्याज दिया जाए, जो कि 2 महीने के लगभग हो चुके हैं। किसानों का कहना है कि बैंक कटने के बाद भी उनसे ब्याज लिया जा रहा है, जो कि गलत है, क्योंकि 15 अप्रैल की तारीख माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्धारित कर दी थी। ग्राम के सरपंच शैलेश राय का कहना है कि जल्द ही किसानों का पैसा दिया जाए, जिससे कि वह उनकी परेशानी कम हो सके। और शासन से निवेदन किया है कि कहना है कि जब से डिजिटल इंडिया की मुहिम चली है, परेशानियां कम होने के नाम पर लगातार बढ़ाई जा रही हैं, जो कि किसान को फायदे की जगह नुकसान साबित हो रही है। मांग करने वाले में किसान समस्त किसान पीपल खेड़ा, धर्मेंद्र गुप्ता, गिरीश यादव, संतोष डांगी, बलवेश सिंह, रामगोपाल साहू आदि मौजूद रहे। धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। नमस्ते। 28 मार्च से लेकर 31 मार्च तक किसानों ने बैंक लगभग क्लियर कर दिए, कुछ किसानों ने उनका पैसा कटाया गेहूं तुलाई में, और 4 अप्रैल से गेहूं खरीदी, उनका पैसा नहीं आ रहा है। क्या कहना चाहते हैं आप इस पे, क्या है भाई साहब? किसान कुछ आरोप लगा रहे हैं कि कुछ सोसाइटी में पैसा कटा है, कुछ में नहीं कटा है, जी बताएं। ये जो किसान कह रहा है वो सत्य कह रहा है, क्योंकि किसान कभी झूठ नहीं बोलता। 15 मार्च को बैंक भर दिए शासन की गाइडलाइंस के अनुसार, आज एक एक दो दो महीने हो गया है गेहूं तुलवाते हुए पैसे नहीं आए हैं। मैं भी एक किसान हूं, इस सोसाइटी में मैं एक खाता धारक हूं, मैंने भी 16 मार्च को बैंक भरी थी, आज तक पैसा नहीं आया है। और जो कटी हुई राशि है, हम शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि जो हमारा बैंक भरने के बावजूद भी काट लिए, उसका हमें ब्याज सहित दिया जाए, अन्यथा हम किसान लोग प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे। और जितनी धांधलाई साकलखेड़ा सोसाइटी में चल रही है, जो हमारी समिति है वो कहीं नहीं है। एक जिले में दो कानून चल रहे हैं, अहमदपुर साइड कभी न कर्जा कटता है और न कभी वो काटते हैं, लेकिन विदिशा की इधर नदी के साइड में दो कानून चलते हैं बराबर। भाई साहब, मैं ये कलेक्टर साहब से मांग करता हूँ, इसकी जांच कराकर किसानों को न्याय दिलाएं। क्या नाम है आपका? संतोष डांगी जी। बताएं क्या समस्या आ रही है, आप बैंक कहाँ है जिला सहकारी? मुझे ये समस्या आ रही है, मेरी बैंक मैंने भर दी थी 15 मार्च को जी, फिर भी मेरे पैसे कट गए। गेहूँ कब तुला था आपका? गेहूँ मेरा 22 तारीख को तुला था जी, इसके बाद भी पैसे कट गए जी। और मेरे सुनने में आ रहा है अहमदपुर साइड पैसे नहीं कटे, बैंक भर दी उन्होंने, उन किसी के पैसे नहीं कटे। तो एक जिले में दो कानून चल रहा है? दो, हाँ दो कानून चल रहा है। मैं ये चाहता हूँ शासन से प्रशासन से मैं ब्याज के पैसे दिए जाए। आपका? गिरीश यादव जी। क्या समस्या आ रही है बैंक संबंधित? आप बैंक समस्या ये आ रही है कि हमारा गेहूं तुला था 4 अप्रैल को जी, और अभी तक जो पैसा कटा है बैंक द्वारा वो पैसा अभी तक नहीं आया। आपने बैंक कितनी तारीख को भर दी थी? वो भरी थी 15-16 मार्च को जी। क्या चाह रहे हैं शासन से? पैसा वापस जल्दी से जल्दी आ जाए। और नमस्कार जी, नाम बताएं अपना। कैलाश नाल यादव। अभी तक जो 28 मार्च तक किसानों ने बैंक भर दी थी, उनका गेहूं तुलाई 4 अप्रैल से शुरू हुई थी, उनका पैसा नहीं आया, क्या कारण? ये तो कारण नहीं बताते क्यों नहीं आया अभी, ये तो सब बैंक से मालूम पड़ेगा ब्रांच से ही, लेकिन अभी पैसा आया नहीं किसी का भी। जीते जी, तो अब तक क्यों नहीं आया? और कुछ किसानों का जिनने बैंक भर दी उनका पैसा कटा क्यों? वो सिस्टम ने काटा पैसा, वो तो सिस्टम ने पैसा आधे पैसे काटा है जी। और जो कटा पैसा बस वो लोग खाते में ही आ गए नौके में, मतलब क्यों कर्तव्य है नहीं है तो पैसा लोग खाते में आ गए, लेकिन आज जाए कल जाए परसों जब भी जाए, लेकिन वो जाकर ये पैसा कब आ रहा है? तो 1.5 महीना से ऊपर हो गया और अभी भी आप श्योर नहीं है कि कब तक पैसा आएगा? अब आज कल जाए कभी जाए, आप जितनी जानकारी ब्रांच से मिलेगी जानकारी जहाँ तो मिल पाए।